नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नए YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये स्केलर देख के आप समझ चुके होंगे कौन से पैनल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये 16 वाई है, सैमसंग का 32 इंच पैनल है। इसमें हर पूरे YouTube चैनल में कहीं भी देखेंगे तो सिर्फ गेट कटिंग का ही बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये गेट कटिंग का, गेट शॉर्ट है, गेट कट कर दो या इधर कट कर दो, मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप भी इस वीडियो पे बने रहे, ठीक है। चलिए, आप इस वीडियो को स्किप मत करना, कृपया पूरा देखना, तभी आपको ये मेथड जो बता रहा हूँ वो समझ में आएगा। फिर इसके थ्रू आप कोई भी पैनल रिपेयर कर पाओगे एकदम आसानी से, एकदम आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। तो कृपया इस वीडियो में बने रहे, स्किप मत करना थोड़ा भी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टीवी चालू करना है आपको, यहाँ 12 वोल्ट, देखिए यहाँ भी लिखा है 12 वोल्ट, आपको चेक करना है मीटर में 12 वोल्ट, ओके, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 3.3 वोल्ट चेक करना है, आ रहा है। उसके बाद ये 1.8 है, यहाँ चेक करनी है, आ रहा है। और ये है अपना AVDD, ये वाला यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये भी ऑन है, BGH, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये IC का प्रॉब्लम है या ये इसका गेट जो है CKB शॉर्ट है, उसको कैसे चेक करेंगे। पहला टीवी आप बंद करना पड़ेगा, टीवी बंद करके पावर ऑफ करना पड़ेगा और फिर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर में दिखाओ तुम, झटके में भी ऑन पे रखना है, झटके में वोल्टेज बनेगा, देखिए बंद के बंद हुआ। देखिए मैं मीटर कहाँ रखा हूँ, यहाँ पे झटके में वोल्टेज बना, भी ऑन बना, फिर बंद हुआ, यानी हमारा CKB शॉर्ट है। और शॉर्टिंग कैसे चेक करेंगे, कैसे एकदम आसानी से शॉर्टिंग चेक कर लेंगे कौन सा पिन शॉर्ट है, वो देखते हैं इसी वीडियो में। इसका जो CKB शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं कौन सा पिन शॉर्ट है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ CKB2 CKB B2, ये दो पिन, और यहाँ भी CKB1 CKB B1। आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ चेक करने के लिए। अब मीटर को जो है ओम्स में कर देना है, ठीक है, ओम्स में करना है। ये मीटर हमारा मिट गया है, ओम्स में क्यों, देखिए ये ओम्स में है, ठीक है। अभी क्या चेक करना है, ये देखिए आपको चेक कैसे करना है। देखिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, CKB1 CKB मीटर बंद हो गया। देखिए आपको चेक कैसे करना है, आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। ये दोनों पिन को आपको नहीं छोड़नी है, नहीं चेक करना है, ये पहला, देखिए ये दूसरा, ओम्स में मीटर रहेगा, ठीक, ये शॉर्टिंग नहीं है। आप फिर ये देखिए पहला दूसरा हुआ, आप पहला, ये देखिए ये पहला दूसरा हो गया, पहला तीसरा, ये चेक करना है, ध्यान से देखिए समझिए, पहला दूसरा हो गया, पहला तीसरा हो गया, ठीक। फिर ये दूसरा तीसरा यहाँ चेक करनी है, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है, मेगा ओम्स में जा रहा है, दूसरा तीसरा हो गया। अब दूसरा चौथा चेक करनी है, ये देखिए शॉर्ट है, 554 ओम्स, यहाँ देखिए ये अपन चेक किए, दूसरा चौथा, पहला दूसरा चेक किया नहीं हुआ, दूसरा तीसरा चेक किया नहीं हुआ शॉर्टिंग, और फिर दूसरा चौथा चेक किए शॉर्टिंग निकला। तभी इसको कैसे कंफर्म करेंगे शॉर्टिंग इधर है या इधर है, शॉर्टिंग किधर भी हो सकती है, दोनों साइड किधर भी हो सकती है। तो सीधा देखिए ये दोनों पिन में शॉर्टिंग है, इसको एक पिन कट करेंगे, ये पिन, ये दोनों पिन में से एक पिन शॉर्ट करना है, कटिंग करना है। ये पिन में दो पॉइंट है, ये सिंगल है, ठीक, ये सिंगल वाला कट करके देखते हैं, ठीक है। शॉर्टिंग ये सिंगल एक ही कट करना है, एक ही कट करके देखेंगे शॉर्टिंग किया कि नहीं, अगर शॉर्टिंग फिर भी है तो ये वापिस अपने को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर दूसरे साइड शॉर्टिंग
दूसरे साइड वही पिन कट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ए पिन कट करके देखते हैं। तो देखिए एक पिन कट किया मैं, ठीक है कट किया, फिर वापस शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं, शॉर्टिंग है कि नहीं, फिर भी शॉर्टिंग है। ठीक है, यहाँ देखिए जो पिन कट किया था यहाँ चेक कर रहे हैं, पिन जुड़ा तो नहीं, नहीं जुड़ा है। अब यही पिन गिन देखें, ये दूसरा पिन था, दूसरा नंबर, ठीक है पहला दूसरा, अब इधर से ये दूसरा नंबर पिन वापस कट करके देखते हैं, अगर फिर शॉर्टिंग गया तो ये वाला पिन ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला दूसरा नंबर पिन कट करके देखते हैं। ये देखिए ये पिन जो हमने पहले कट किया इसको हमने ज्वाइन कर दिया वापस, ठीक है, फिर इधर इधर का पिन जो शॉर्टिंग था वो हमने कट किया है। ठीक है, इधर से दूसरा नंबर पिन कट किए थे, ठीक है वापस जोड़े, इधर से भी ये दूसरा नंबर पिन कट किया है। ठीक है, अभी शॉर्टिंग चेक करते हैं, अभी शॉर्टिंग हमारा निकल गया, अब चालू करके देखते हैं। ये हमारा टीवी ऑन हो चुका है, यहाँ बैकलाइट जलेगा, ये ऑन हो गया हमारा टीवी। ठीक है, अभी देखिए 3.13 वोल्ट आ ही रहा है, ये देखिए हमारा AVDD वोल्टेज बनना चालू हो गया। ठीक, देखिए ये V1 का वोल्टेज है, ये भी बनना चालू हो गया। ठीक है, सिर्फ एक पिन कट किए हैं, अभी और भी कुछ करना है वो हम आपको इसी वीडियो में बता रहे हैं। ठीक, ठीक चलिए, आपको एक कटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन कटिंग करने के बाद क्या होता है ये देखिए कैसा आ रहा है, पैनल तो चालू हो गया, ध्यान से देखिए कैसा आ रहा है, साइड से लाइनिंग और वाइट पन भी है। ठीक है, इसको ओरिजिनल कैसे बनाए उसके लिए आपको क्या करना होगा वो हमको हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, ठीक है पहला तो इधर अपन कटिंग किए थे लेकिन शॉर्टिंग नहीं गया, ये वापस जोड़ दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पिन, ये वाला कटिंग किया लेकिन पट्टा उठा रहा था, वाइट पन भी आ रहा था। अभी हमने क्या किया, ये सारे पिन कट किए, पहला सारे पिन, सारे गेट वाले पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिन को कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद इधर से 1 2 3 4 नंबर पिन जो VGL आएगा, ठीक है आपको गिन भी लेनी है या मीटर में आपको चेक करनी है VGL कौन से पिन पे आ रहा है। आपको इधर से गिननी है, ठीक है या गिननी है मीटर से चेक करना है आपको VGL कौन से पिन पे आ रहा है, -10 वोल्ट आएगा 9 वोल्ट आएगा, वही पिन को आपको वापस ज्वाइन करना, बाकी सारे पिन कट रहना चाहिए, ध्यान से सुनिए। देखिए बाकी सारे पिन हमारे कट है, इधर के भी कट है, एक पिन खाली जुड़ा हुआ है जो कि -VGL वोल्ट है। ठीक है, आपको दिखा भी दे रहे हैं चालू करके अभी कैसा हमारा टीवी चल रहा है। देखिए टीवी हमारा ऑन हो गया, यहाँ से बैक लाइट भी देख सकते हैं, अभी चलेगा, ये टीवी ऑन हो गया। तो कौन सा पिन था आपको बताए थे, VGL ये चौथा नंबर, देखिए मीटर में दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये देखिए -10 वोल्ट, सिर्फ इस पिन को हमने ज्वाइन किया, बाकी सारे पिन कट कर दिया। पहला शॉर्टिंग चेक करने के लिए एक मेथड बताया आपको, एक ही पिन से समझ में आ जाएगा शॉर्टिंग की तरह। बहुत सारे भाई क्या करते पूरा पूरा कटिंग कर लेते फिर भी वोल्टेज नहीं बनता, फिर वापस इसको ज्वाइन करते फिर यहाँ का पूरा कटिंग करते, तो आपको बताया शॉर्टिंग कैसे चेक करनी है, कैसे चेक करनी है, सिर्फ एक पिन कटिंग करके आप शॉर्टिंग चेक कर सकते कौन सी साइड है, ये साइड है या ये साइड है। ठीक है, आपको तो समझ में आया होगा, अभी देखिए
एक बार और बता रहा हूँ, कोई ये पैनल नहीं है, दूसरा भी पैनल है। आप उसको अगर कट किए हैं साइड से, सीखे भी कट किए, फिर लाइन आ रहा है साइड से, लाइन आता ही है, तो आपको क्या करनी है, अंदर साइड से देखिए, ये अंदर साइड से आपको विजियल देखना है, कौन सा पिन विजियल है हमारा, ठीक है। किसी में 3 नंबर पे रहता है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, तो उस वो पॉइंट को आप खाली ज्वाइंट करना है, ठीक। खाली ज्वाइंट कर देंगे बाकी सब कट रहेगा। तो जो साइड से लाइनिंग आती है गेट कटिंग करने के बाद, पीछे सही नहीं आता है, वाइटपन आता है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी वही की है, देखिए विजियल का पॉइंट है 4th नंबर, ये हमने ज्वाइंट कर दिया है। ये देखिए विजुअल पॉइंट ज्वाइन कर दिया, पिक्चर देखते हैं कैसा आ रहा। ये देखिए हमारा पिक्चर 100% ओरिजिनल आ रहा है। देखिए इधर से वाइट पन था, ठीक है, कहीं भी देखिए कहीं से भी लाइनिंग नहीं आ रही, कहीं से भी एकदम जो जैसा चलता था नया पैनल वैसे चल रहा है, देखिए देख सकते हैं। आप वीडियो लगा के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कैसा चल रहा है, पिक्चर कैसी आ रही है। देखिए हमने क्या किया, एक बार और आप देख लीजिए, ठीक, वही पैनल है जो हमने बनाया। अब इसमें पिक्चर लगा के आपको दिखा दे रहे हैं, पिक्चर कैसी आ रही है। ये देखिए हमने केबल का वायर लगा दिया, पिक्चर देख सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है। कैमरे में थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, एकदम क्लियर जैसा नया पैनल चलता है वैसे चल रहा है, कहीं से भी कुछ भी नहीं, कहीं से भी लाइट वाइट पन लाइनिंग कहीं से भी कुछ नहीं है। देखिए ये हमारा पैनल रेडी हो गया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।